तो आज मैं आपको लेकर आगे रांची के आदिवासी बाजार में, जहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से देसी मुर्गा बनाया जाता है। तो किसी को भी देसी मुर्गा चाहिए तो यहाँ से बढ़िया मिल जाएगा ना, एक नंबर मिलेगा। और आने में कोई दिक्कत होगा, उसका कंप्लेंट भी होगा, पैसा रिटर्न भी होगा, जो एक बार खाएगा वो बार बार आएगा। तो भाई हमारा देसी मुर्गा यहाँ पे आ चुका है 1 किलो वाला। अब इसको यहाँ पे निकाल दिया गया है, मुर्गे का वजन यहाँ पे कर लिया गया है। तो 1 किलो देखो तो 150 ग्राम मुर्गा हमारा यहाँ पे आ चुका है। तो गर्म पानी में डाल के मुर्गे के देखो तो यहाँ पे पंख निकाले जा रहे हैं। तो मुर्गे की देखो तो अच्छे से यहाँ पे स्किन निकाल दी गई है, तो मुर्गे के अच्छे से पंख निकाल दिए गए हैं। अब इसको अच्छे से यहाँ पे भुना जा रहा है। तो लोग स्किन के साथ खाना पसंद करते हैं, बिना स्किन के पसंद करते हैं? दोनों पसंद करते हैं, मैंने जैसा पसंद खाना है, मतलब कि छील के खाइएगा, छील के भी दे सकते हैं, रोस्ट करके खाना है तो उसे भी दे सकते हैं। तो देसी मुर्गे को देखो तो अच्छे से यहाँ पे रोस्ट कर दिया गया, अच्छे से देखो तो यहाँ पे पानी में मुर्गे को साफ कर लिया गया है। अब इसकी यहाँ पे अच्छे से कटिंग की जाएगी, जो खाएगा उसे आदमी के लिए, नहीं खाएगा तो बॉयलर खाकर रह जाएगा। ये शेर आदमी के लिए, हाँ शेर आदमी के लिए, जो एक बार खाएगा वो बार बार आएगा। तो किसी को भी देसी मुर्गा चाहिए तो यहाँ से बढ़िया मिल जाएगा ना, हाँ एक नंबर मिलेगा। और खाने में कोई दिक्कत होगा, उसका कंप्लेंट भी होगा तो उसका भी पैसा रिटर्न भी होगा, और प्लस दूसरा मुर्गा भी मिलेगा। तो चूल्हे में देखो तो एक एक करके यहाँ पे लकड़ी डाली जा रही है, लकड़ी से देखो तो यहाँ पे आग जला के देसी स्टाइल में यहाँ पे हमारा चिकन बनाया जाता है। कितने सारे देखो तो चूल्हे के साथ रखे हुए हैं यहाँ पे। तो देसी चिकन हमारा कढ़ाई में यहाँ पे निकाल लिया गया है, और एक एक करके देखो तो यहाँ पे कस्टमर्स के ऑर्डर लगे हुए हैं। तो चूल्हे पे देखो तो सबसे पहले कढ़ाई यहाँ पे चढ़ चुकी है, और सरसों का तेल यहाँ पे डाला जा रहा है, और इसी में हमारा देसी मुर्गा यहाँ पे तैयार किया जाएगा। चिकन को देखो तो अच्छे से पानी में यहाँ पे साफ किया जा रहा है, साफ करने के बाद कढ़ाई में यहाँ पे डाला जा रहा है। 1 kg हमारा देसी मुर्गा यहाँ पे तैयार किया जाएगा, छोटे छोटे पीस में कट किया गया। अभी कितना टाइम लगता है बनाने में? तो आधा घंटे का समय लगेगा, और हमारा देसी चिकन जो है अच्छे से यहाँ पे तैयार कर दिया जाएगा। तो भैया मुर्गा बनने में कितना टाइम लग जाएगा? आधा घंटा लग जाएगा, देहाती में बॉयलर तो वो गर्म पानी से ही बॉयल हो रहता है। तो मिक्स मसाला देखो तो यहाँ पे चिकन के ऊपर डाल दिया गया है, और ये आगे हल्दी। देसी चिकन को यहाँ पे देखो तो अच्छे से भुना जा रहा है, एकदम आदिवासी स्टाइल में तैयार किया जा रहा है। तो नेक्स्ट आप देख सकते हो पानी मिलाया जा रहा है, तो देख सकते हो चिकन की एकदम रंगत चेंज हो चुकी है, पानी इसमें डाल दिया गया है। 15 से 20 मिनट और लगेंगे इसको अच्छे से पकने में। तो ऊपर से देख सकते हो यहाँ पे चिकन मसाला यहाँ पे डाला जा रहा है। तो अभी भैया कितनी देर के लिए ढकेंगे इसको? 10 से 15 मिनट। बढ़िया बनता है यहाँ पे देसी चिकन? हाँ बढ़िया बनता है, कस्टमर आते हैं बराबर। एक बार जो खा के जाता है बार आता है यहाँ पे? हाँ आता है। तो कढ़ाई में हमारा देसी चिकन बनके रेडी हो चुका है आदिवासी स्टाइल। अब इसको यहाँ पे निकाला जाएगा, पत्ते में इसको लगाया जा रहा है, सबको पत्ते होते हैं। तो फाइनली रांची के आदिवासी बाजार में हमने देसी तरीके से देसी चूल्हे पे देसी यहाँ पे चिकन बनाया, और देख सकते हो सकू के पत्ते पे इसको सर्व किया गया है। इसका कलर आपको थोड़ा सा डार्क दिखेगा, क्योंकि इसको अच्छे से भून भून के यहाँ पे बनाया गया है। तो चलिए इसको टेस्ट करके देखते हैं कैसा बनाइए। तो ये आदिवासी स्टाइल देसी मुर्गा काफी ज्यादा टेस्टी बना है, स्पेशली जो इसमें खड़े मसाले डाले गए हैं, बहुत ही अच्छे से मसालों में इस मुर्गे को भुना गया है, जो स्मोकी फ्लेवर आ रहा है इसमें बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। दुकान का एड्रेस बता दीजिए, कहाँ पे? नामकुम बाजार। नामकुम बाजार सरदार चौक में भी लगता है, फिर नामकुम बाजार में यही जगह लगता है, राजन चिकन शॉप नाम है। नामकुम बाजार में आ रहे हो, रांची में रहते हो, मैं आपको रिकमेंड करूंगा यहाँ पे आके आप अपनी मर्जी से मुर्गा कटवा सकते हो, और किसी भी शॉप पे यहाँ पे ले जाके बनवा सकते हो। बात करिए इसकी प्राइस की, 500 रुपए का मैंने मुर्गा लिया था, जो की 1 kg था, और साथ में 120 रुपए इसको बनाने के लिए। इस आदिवासी स्टाइल देसी मुर्गे को मैं यहाँ पे जल्द से करता हूँ, और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।